हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त और साथी संजय उपाध्याय एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियो में ऑनलाइन पार्ट टाइम फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताता हूं और हर वीडियो में एक नए वेबसाइट के बारे में बताता हूं, तो इस वीडियो में भी मैं आपको ऑनलाइन पार्ट टाइम फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताऊंगा। और आज जिस नए साइट के बारे में मैं बताऊंगा जिस पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, उसका नाम है golance.com। दोस्तों, आपने इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर क्लिक किया होगा, तो इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन पार्ट टाइम फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में सर्च कर रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को यदि अंत तक देखेंगे तो आपका मकसद पूरा होगा और आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी बहुत जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि अब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, ऑनलाइन पार्ट टाइम फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम जॉब में जो सबसे आसान काम है और ज्यादा से ज्यादा लोग करना चाहते हैं वो है डाटा ऑपरेटर की। और एक डाटा ऑपरेटर को क्या क्या इक्विपमेंट्स और क्या हुनर की आवश्यकता पड़ती है वो मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी और आपको एमएस ऑफिस यानी कि एक्सेल और वर्ड पे काम करने आना चाहिए। साथ ही आपको जो है थोड़ा नेट की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आप गूगल डॉक की भी जानकारी होनी चाहिए, जिसकी वर्किंग बिल्कुल एमएस ऑफिस की तरह ही है, कोई अलग नहीं है। इस पे आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 20 वर्ड्स पर मिनट और अगर उससे ऊपर है तो ज्यादा अच्छा है, होना चाहिए। इससे आपको टाइपिंग में आसानी होगी। आप एक्यूरेट 95% एक्यूरेसी के साथ टाइप करें, ताकि आप प्रोजेक्ट को अच्छी तरह सही ढंग से क्वालिटी में कंप्लीट करें। और इसके अलावा आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो होना चाहिए स्पेलिंग का, ग्रामर का, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें और क्वालिटी प्रोडक्ट कंप्लीट करके दें। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज जिस वेबसाइट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम golance.com है। ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है और इस पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना, प्रोजेक्ट बिड करना, निगोशिएट करना, अकाउंट लिंक करना हमारे एक्सपर्ट मिस्टर नितिन बताएंगे। तो अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लिए चलता हूँ, जहाँ स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस आपको मिस्टर नितिन बताएंगे। तो ओवर टू मिस्टर नितिन। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। आज हम जिस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसका नाम है golance.com। तो आइए चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउजर पे। अभी क्रोम ब्राउजर पे आ गए हैं। अब यहाँ के एड्रेस बार में golance.com डालेंगे। ये हमने golance.com खोल ली है। आप यहाँ पे इसकी वेबसाइट का अगर ओवरव्यू लें, हम थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करते हैं तो यहाँ पे ये सारी कंपनी इसके साथ अटैच्ड है। आइदर राइट टैलेंट राइट नाउ, ये इनकी वेबसाइट है जो कि लोवेस्ट फी एंड फास्टेस्ट पे आउट एंड ट्रस्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्रीलांसर्स दे रखे हैं, इतने फ्रीलांसर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। अभी तक कितने फ्रीलांसर्स को कितना पैसा ये पे कर चुके हैं ये बताया गया है, और कितने आवर्स इन्होंने घंटे ट्रैक किए हैं यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ये कैसे काम करता है अब ये इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इस पे देखते हैं, साइनअप करते हैं। हम साइनअप के बटन में आए तो आप देख सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन और गूगल के थ्रू भी यहाँ पे साइनअप कर सकते हैं, बट मैं हम आपको मैनुअली साइनअप करके बताएंगे। ईमेल आई डी डाल लिया, पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पासवर्ड अपना काफ़ी स्ट्रांग रखिए। यहाँ पे साइनअप के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब ईमेल आईडी पे अब जाके वेरिफिकेशन के लिंक को कंफर्म करेंगे। ये हमारी ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन मेल आ गई है। अब यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे हम क्लिक करेंगे।
ये हम इसके पैनल पे आ गए हैं। अब इसके पैनल पे आने के बाद यहाँ पे लिखा है कंप्लीट प्रोफाइल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अटैच करेंगे। अब प्रोफाइल पिक्चर आ गया, इसको सेट करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप कितना चार्ज करेंगे पर आवर। यहाँ पे हम पर आवर $3 डाल देते हैं कि हम पर आवर का $3 चार्ज करेंगे। यहाँ पे हमारा नाम आ गया है। अब यहाँ पे सिटी पूछ रहा है, सिटी डालने के बाद अब यहाँ पे हमसे हेडलाइन मांग रहा है, तो हम यहाँ पे अपना हेडलाइन दे देते। तो जो हम आज का प्रोफाइल जो है वो सेट करेंगे एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर का। और यहाँ पे हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। ये चीज़ सेव हो गई है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमसे समरी मांग रहा है एटलीस्ट 100 करेक्टर्स की, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो ये समरी के लिए मेरे पे खुल गया। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल का वीडियो मांग रहा है, तो जब आप प्रोफाइल या कोई वीडियो नहीं है तो हम अपनी पहले समरी डालेंगे। यहाँ पे हमने समरी डालने के बाद समरी हम लोग सेव कर देंगे। यहाँ पे समरी सेव हो गई है, तो यहाँ पे आप स्किल्स पूछा है कि एटलीस्ट 5 स्किल्स जो है वो अपने आप यहाँ पे बताइए। यहाँ पे मैंने 5 स्किल्स डाल दिए हैं। अब यहाँ पे जो है मिनिमम जो कैटेगरी है हमको 2 कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, तो यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, डेटा एंट्री ट्रांसक्रिप्शन, और हम सेलेक्ट हो गई। अब फिर हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास और भी क्या नाम है चीज़ें आ गई हैं, जो 5% करके हमारा जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करेंगी। तो यहाँ पे ऐड पोर्टफोलियो है, तो अभी हमारे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। और ये हमारी यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे अपनी स्किल्स डाल देंगे डेटा एंट्री की। अटैच करने के बाद यहाँ पे हम सेव कर देंगे। यहाँ पे सेव हो गया। फिर ऐड वीडियो योर सेल्फ, ऐड योर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारी क्या लैंग्वेज है, क्या एम्प्लॉयमेंट जो हमारी पास एम्प्लॉयमेंट थी वो, हमारा क्या एजुकेशन है, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे दी गई हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके अपना प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। हमारा अभी 85% प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम इसको अभी रहने देते हैं। हम ये बता देते हैं कि इसमें हम आपको जॉब कैसे सर्च करेंगे। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे हायर और वर्क, तो हमें काम चाहिए तो हम वर्क पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें खुल गई हैं। खुलने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो सर्च बार में देखेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर, और हम इसको सर्च करेंगे। इससे रिलेटेड जो हमारे पे जॉब्स होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे डेटा कलेक्शन ऐप है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये अप्लाई का बटन दिया गया है, और यहाँ पे जॉब की डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को देख के अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप इस पर अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे कुछ ये आपका वो टर्म्स यहाँ पे दी गई हैं, और यहाँ राहुल सिंह का है, तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी जो भी टर्म्स है वो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और वो करके यहाँ पे नेक्स्ट का जो अप्लाई का बटन है वो विजिबल हो जाएगा। तो तब आप इस काम के लिए अप्लाई करने के लिए सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो अभी ये हम आपको ये करके इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि ये एक डमी अकाउंट है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि इस वेबसाइट पे हम कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, और कैसे इसमें काम ढूंढ के उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मिस्टर नितिन द्वारा बताया गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आप अपने आप को अब इस वेबसाइट पे आराम से रजिस्टर कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांस वर्क करना चाहते हैं, ताकि उनकी मदद हो सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो मिल सके। आपको वीडियो में अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट लिख के भेजें, ताकि हम आपके कमेंट पे एक नया वीडियो बनाकर सबको मदद कर सकें। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है
तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको हमारी क्या बात पसंद आई, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी लिखकर भेजें।